अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद। अगर आप उर्दू टाइपिंग सीखना चाहते हैं या फिर उर्दू में कोई बैनर बनाना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आएँ, क्योंकि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिससे आप घर बैठकर अपने लैपटॉप या पीसी के ज़रिए कोई भी बैनर उर्दू में बना सकते हैं, वो भी इंटरनेट के बग़ैर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। तो चलें फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ट्यूटोरियल वीडियो। मेरा नाम है आसिम कियानी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं, आप ही अपने क्रोम ब्राउज से गूगल ओपन करेंगे और यहाँ गूगल की सर्च बार में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सर्च बार में टाइप करना है पाक उर्दू, पाक के बाद स्पेस उर्दू और उसके बाद इंस्टॉलर। आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे पाक उर्दू इंस्टॉलर लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो हो जाएंगे। आपने थोड़ा स्क्रोल डाउन करता हूँ मैं, यहाँ आप देख सकते हैं पाक उर्दू इंस्टॉलर फ्री डाउनलोड एंड सॉफ्टवेयर, इस पर हम क्लिक करेंगे। और जो ही क्लिक करेंगे नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पाक उर्दू इंस्टॉलर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नई विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर मैंने जो ही इसको थोड़ा सा डाउन किया, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड नाउ, तो हमने डाउनलोड नाउ पर, इसको मैं क्लोज करता हूँ, आपने डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। जो ही हम डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक नई विंडो आपके शो हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ ये देखें आप नीचे डाउन में, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से, ये आपके पीसी सिस्टम में ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, जो ही डाउनलोड कम्प्लीट हो जाएगा। आई थिंक नाउ डाउनलोड इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड। मैं स्पीड को ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ ऐसे। यहाँ आप देख सकते हैं शो ऑल, तो यहाँ पे जो ही क्लिक करेंगे तो जो हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ होगा पाक उर्दू इंस्टॉलर के, तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे, शो फाइल पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, जहाँ पर इसकी है जिस फोल्डर में ये विंडो की जिस फोल्डर में ये हमारे इंस्टॉलर है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये वाली विंडो आपने ओपन क्लोज़ कर देनी है। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे देख सकते हैं पाक उर्दू इंस्टॉलर, तो आपने इस पर क्लिक करना है पाक उर्दू इंस्टॉलर पर, डबल क्लिक करेंगे। और जो ही हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें इंस्टॉल होना शुरू हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आया, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद एक बार फिर से नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। कुछ देर के लिए हम वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है। जी तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है वो, मैं इस विंडो को डाउन कर दूँ, सारे जितने भी फोल्डर मैंने ओपन किए हुए थे, यहाँ पर मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो ऑलमोस्ट डन होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो ऑप्शन मेरे पास शो हुआ है, येस आई वॉन्ट टू रीसेट माई कंप्यूटर नाउ, नो आई विल नॉट रीसेट माई कंप्यूटर लेटर, सो मैं बाद में करूँगा इसको, अभी करूँगा तो क्लोज हो जाएगा, आपको मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन आपने येस पे क्लिक करना है ताकि आपका कंप्यूटर रीसेट हो, रीस्टार्ट होने के बाद फिर जो है वो आपकी विंडो ओपन हो, उससे आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू पाक के नाम से ये आपको एक आइकन शो हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो है वो इंस्टॉल जो हमने करनी थी वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम जो है वो इसको टाइप करके देखते हैं कि कैसे हमारा ये इंस्टॉलर काम कर रहा है। तो हम वर्ड फाइल पर क्लिक करते हैं, वर्ड फाइल में ओपन करता हूँ, हमारा जो उर्दू का जो है उर्दू इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। मैं साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप क्लियरली इसको देख सकें।
थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि इसका साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा कर देते हैं ताकि अल्फाज बड़े लिखे पड़े जाएँ आपको नज़र आए। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जो है वो जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। तो यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ एक मिनट के लिए। नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, शायद आपको स्क्रीन पे नज़र आए, यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू और इंग्लिश। आपने इस वाले पे क्लिक करना है जहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है, उर्दू पाकिस्तान। तो आप जो इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी उर्दू की जो कीबोर्ड्स है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब हम वापस अपनी वर्ड फाइल खोलते हैं। मैं इस वर्ड फाइल को वापस ओपन करता हूँ। ये मैं आपको फिर से, यहाँ पे हमने वर्ड फाइल ओपन की। तो अब यहाँ पे हम उर्दू में कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी पोस्ट को शेयर करें। आप देख रहे हैं कि वर्ड्स उर्दू के लिखे जा रहे हैं, लेकिन वैसी उर्दू नहीं है जैसा कि हमारे कंट्रीज़ में उर्दू लिखी जाती है। तो हमने इसका फॉन्ट बाद में चेंज करना है। मैं अभी के लिए सिर्फ आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ कि ये दिखने में कैसा लगता है। मेरे पेज को शेयर करें और मेरे चैनल को, यस ऑफ कोर्स, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी टाइपिंग कम्प्लीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसका मैंने फॉन्ट जो है वो चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे, इस एरिया सारे को सिलेक्ट करते हैं, जितनी भी जो मैंने टाइपिंग की है इसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है जमील, ये वाला पॉट जमील के नाम से जो है आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि मेरी पोस्ट को शेयर करें, टोटली डिफरेंट उसका फॉन्ट हो गया है उर्दू में और बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसा कि हमारे बैनर्स जो बनते हैं उस पर लिखा होता है। तो सारी बिल्कुल एज़ इट इज़। इसी तरह आप इसके साथ अगर इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इंटर करता हूँ, इंटर करके मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश वापस में लाना चाहता हूँ। तो हमने इंग्लिश वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है। जो ही मैं इंग्लिश वाले पार्ट को सिलेक्ट करूँगा तो इंग्लिश जो है वो ये देखें आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर टाइप करते हैं और ये उसका, क्योंकि इंग्लिश लेट से स्टार्ट होती है तो हम इस तरह कर देते हैं, हाउ आर यू कॉमा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं दोनों को ये मैंने टाइप कर लिया। अब इन इस कंप्लीट जो पैराग्राफ मैंने टाइप किया है मैं इसको सबको दिखा, पूरा कंप्लीट एक ही पेज में आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल के साथ इसको जो है वो सेलेक्ट करते हैं पूरे एरिया को और यहाँ इसके मैं साइज़ को छोटा करता हूँ ताकि यहाँ ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग इजीली पढ़ सकें। तो ये देख सकते हैं आप, जितनी भी जो भी मैंने टाइपिंग की ऊपर इंग्लिश उर्दू में की और नीचे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में की। तो इसी तरीके से आप जो है वो अब इसमें किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के बाद आपको दोबारा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप बग़ैर इंटरनेट के भी जो है वो टाइपिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं इंग्लिश में या उर्दू में तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका मैं लिंक दे दूँगा, आप उसे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं जिससे आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।